फ्री सर गवर्नमेंट द्वारा बैन कर दिया गया, इसलिए वो काम नहीं कर रहा है सर। तो कब तक चालू है सर, कुछ आपको पता है? अब तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, अब वो काम नहीं करेगा सर। कभी नहीं काम करेगा सर। जियो के सिग्नल क्यों चल रहा है? अगर देखिए आज ही बैन करा रहे, प्रोसेसिंग में है। फ्री फायर बैन इन इंडिया। देखो यार, ये शब्द सुन सुन के मेरा दिमाग खराब हो चुका है। और गाइज जब भी मैं ये शब्द सुन रहा हूँ तो मेरे को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि गाइज यार मैं सिर्फ फ्री फायर का क्रिएटर ही नहीं हूँ, मैंने खुद भी यार फ्री फायर को 3 साल खेल रखा है, तो मुझे पता है कि एक प्लेयर्स का गेम के थ्रू कितना ज्यादा अट्रैक्शन होता है। देखो हमने फ्री फायर में टॉप अप ही नहीं किया, हमने लेवल अप भी किया, हमने पुश भी किया, हमने कैंप भी किया। मतलब यार मुझे वो दिन आज भी याद है जब हम लोग अपने दोस्तों को चैलेंज करते थे और गाइज यार 4v4 खेलते थे, और जो भी टीम हारती थी ना, जीतने वाली टीम उसको बहुत ज्यादा चिढ़ाती थी और हारने वाली टीम वापस से यार कस्टम बनाती थी, और बहुत ज्यादा मजा आता था। मतलब यार तुम लोग बिलीव नहीं कर रहे हो ना, तो एक बार मेरा चैनल खोलना और ओल्डेस्ट वीडियो चेक करना, ठीक है? ओल्डेस्ट वीडियो चेक करना और तुम देखना यार मैं कब से फ्री फायर खेल रहा हूँ। मतलब यार तुम लोग ने वो ग्राफिक भी नहीं देखे होंगे, तब से फ्री फायर खेल रहा हूँ, बहुत ज्यादा मजा आता था। मैं गेम तो गाइस काफी पहले से खेल रहा हूँ, वो जो ओल्डेस्ट वीडियो है ना वो भी मैंने काफी लेट अपलोड करना शुरू किया था। तो गाइस यार वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम लोग ये देख लो, क्या आप लोग भी मेरी तरह फ्री में डायमंड्स और रिडीम गोल्ड लेना चाहते हो? तो आओ एक मस्ती ट्रिक बताता हूँ। इसके लिए आप लोगों को कोई भी भारी भरकम ऐप डाउनलोड नहीं करना है, बस सिंपली आप लोगों को गूगल पर सर्च करना है www.skillclash.com। साइन अप के दौरान याद से नोटिफिकेशन को इनेबल कर देना, जिससे लेटेस्ट ऑफर और टूर्नामेंट की जानकारी आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पर आप लोग कैरम, लूडो, फ्रूट चॉप और रमी जैसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग गेम खेल सकते हो, वो भी गाइस एकदम फ्री में। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं, फ्री फायर में टॉप अप करने के लिए ये वेबसाइट बेस्ट है, क्योंकि गाइस आप लोग जीते हुए पैसे को फटाफट ट्रांसफर कर सकते हो UPI, Amazon Pay से, और गाइस यहाँ तक कि आप लोग अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिचार्ज भी कर सकते हो। तो गाइस स्किल क्लैश की सबसे ज्यादा यूनिक बात ये है कि यहाँ पर आप लोगों को हारने पर भी पैसे मिलते हैं। तो गाइस अभी स्किल क्लैश पर 1.5 करोड़ से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों वेट किसका कर रहे हो, तुरंत स्किल क्लैश पर जाओ, अपने फ्रेंड्स को रिफर करो, उनके साथ टूर्नामेंट खेलो और ढेर सारे पैसे कमाओ। स्पेशल टूर्नामेंट्स में मोबाइल, लैपटॉप, ईयरफोन जैसे प्राइज भी जीतने का मौका पाओ। तो गाइस है ना कमाल की बात। तो गाइस जल्दी से स्किल क्लैश पर जाओ, गेम खेलो। तो गाइस लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में। तो गाइज अब जब यार हर एक बंदा ऐसा बोल रहा है कि फ्री फायर बैन होने वाला है, तो ये सब सुन के मुझे यार बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है यार। मतलब एक सहम सा जा रहा हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है, मतलब यार रोना आ जाएगा। अगर सच में फ्री फायर बैन हुआ ना, मैं पक्का यार रो जाऊंगा। तो गाइज यार जैसे मैं यूट्यूब खोल रहा हूँ ना, तो बड़े से बड़ा क्रिएटर, छोटे से छोटा क्रिएटर, हर एक ने एक ही वीडियो डाल रखा है, फ्री फायर बैन इन इंडिया, फ्री फायर बैन हो गया, ये सब कुछ मतलब दिमाग की दही बना दिया सबने। मतलब हर एक बंदा अलग अलग ओपिनियन दे रहा है, और जो मैंने तुम्हें ऑडियो वीडियो के स्टार्टिंग में सुनाया उसको सुन के तो तुमको लग रहा होगा कि सच में फ्री फायर बैन हो गया भाई, चला गया सब कुछ गया। तो गाइस रुक जाओ यार, अब थम जाओ, जिसने जो बोला सुन लिया सब सुन के, अब तुम इस वीडियो में आओ ना, इस वीडियो को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ क्या कुछ सीन हुआ, फ्री फायर बैन हुआ नहीं हुआ। मतलब यार तुम्हें क्या बताओ, ये पता ऑफिशियल यूट्यूबर नोटिस आ रखा है कि फ्री फायर बैन हो गया, इंडियन गवर्नमेंट ने अभी तो कुछ भी नहीं बोला है। और एक बार तुम टीवी खोल के न्यूज चैनल तो देख लो, कहीं से दूर दूर तक कोई खबर नहीं है। और जरा दिमाग लगाओ, याद करो जब टिकटॉक बैन हुआ था कितना हंगामा हो गया था, न्यूज पेपर टीवी हर जगह एक ही खबर थी। और यार ये जो यूट्यूबर है, टैग के चैनल है इंडिया के अंदर, ठीक है, हमारे यूट्यूब के अंदर जो नॉर्मल न्यूज चैनल है, उनने एक बार भी वीडियो नहीं डाल रखा अभी तक कि फ्री फायर बैन हुआ है। और तुम्हें याद होगा जब पबजी बैन हुआ था ना, तो हर एक टैग चैनल, न्यूज चैनल एक ही इन्फॉर्मेशन दे रहा था, पबजी बैन हो गया। फिर भी गाइस इतना हंगामा हो रहा है कि फ्री फायर बैन हो गया, बैन हो गया। देखो अभी मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ क्या कुछ सीन हो रखा है। तो चलो गाइस मैं आप लोगों को समझाता हूँ आखिर सीन क्या हो रखा है। तो देखो यार एयरटेल जो कंपनी है, उसने यार अपना इंटरनेट देना बंद कर दिया फ्री फायर को। आई डोंट नो क्यों बंद किया, बट हाँ कर दिया है। एयरटेल ही नहीं गाइस, कुछ एक दो सिम कार्ड और है जो कि यार इंटरनेट नहीं दे रहे फ्री फायर को। बट गाइस अगर आप लोग जियो के सिम कार्ड से ट्राई कर रहे हो तो आप लोगों का गेम ओपन हो जा रहा है। तो गाइस जब मैंने एयरटेल के सिम कार्ड से फ्री फायर ओपन किया, तो मैं बहुत ज्यादा डर रहा था कि बैन हो गया, बैन हो गया। उसके बाद मैंने यूट्यूब पर वीडियोस देखी तो मेरा डर काफी ज्यादा बढ़ गया। और गाइस जब कल शाम को ये पता चला कि एप्पल स्टोर और प्ले स्टोर से भी फ्री फायर रिमूव हो गया, तो मतलब यार यूट्यूबर्स के लिए तो चांदी चांदी हो गई, उनने लाखों वीडियोस छाप दी और इतने अंधे अंधे व्यूज लेके गए ना, मैं क्या बताऊं। मतलब यार तुम लोगों को डरा रहे, तुम इनका वीडियो देख रहे हो, तुमको डराए जा रहे फालतू का कुछ भी बोल के, फेक प्रूफ दिखा के डरा रहे, और तुम लोग यार मतलब वीडियो देखे बड़े देखे बड़े हो। तो गाइस अब थम जाओ, तो तुम वीडियो देख रहे हो ना, इसको ध्यान से देखो। तो मैं तुम्हें बताऊं गाइस यार मुझे क्या लगता है, मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूं और मेरे ओपिनियन में हर एक बात में फैक्ट है। तो गाइस सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि क्या सच में इंडियन गवर्नमेंट ने फ्री फायर पे बैन लगा है। तो भाइयों ध्यान से सुनो, फ्री फायर पे इंडियन गवर्नमेंट ने बैन नहीं लगा रखा है। अगर बैन लगाया हो तो ऑफिशियल नोटिस आ जाता यार, इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू नोटिस तो आ ही जाता, और उसी के साथ साथ टीवी चैनल, न्यूज चैनल हर जगह बस यही छाया होता कि फ्री फायर बैन हो चुका है। लिटरली यार मैं सुबह से देख रहा हूँ, कोई भी ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, बस यूट्यूबर्स हैं जो यार फ्री फायर के, उनने अंधे अंधे नोटिस बना दिए, खुद ही डाले पड़े हैं वीडियो की बैन बैन बैन। अरे यार कोई नोटिस तो आया ही नहीं है, तो बैन कहाँ से हो गया? तो यार टेंशन मत लो, फ्री फायर बैन नहीं
नहीं हुआ है और इतनी आसानी से बैन नहीं होगा, ठीक है। और ये जो बोल रहे हैं कि पबजी का केस वेस ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मतलब रिलैक्स हो जाओ, जो होगा पता चल जाएगा। अभी तक तो यार 100% कंफर्म है कि इंडियन गवर्नमेंट ने तो बैन नहीं कर रखा है। जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था ऑडियो, उसे भी भूल जाओ यार, वो तो पता नहीं किस यूट्यूबर ने बना दिया, मुझे तो लग रहा है वो फेक है। तो गाइस मैंने अपने ओपिनियन तो आप लोगों को बता दिया और मेरे ओपिनियन यार 100% सच भी है। तो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर दो। अभी मैंने अपने दोस्त के साथ लूडो और रमी खेला और देखो उसके पैसे भी आ गए। आप भी कैश डिपॉजिट करके लाखों जीत सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी साइन अप करो और नोटिफिकेशन यहाँ से ऑन रख लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर।